Dad. Come in. Hi, Dad. Hi. Meri beti Rita, Vishal. How do you do? How do you do? Good. Beti, Vishal ko guest room mein le jao. Aye. Please. Hey, that's nice. Lovely. इतनी सारी खूबसूरती एक साथ हमने पहली बार देखी है। क्या मतलब? मतलब ये कि बाहर के नजारे तो हसीन थे ही, अंदर की सजावट भी बड़ी दिलकश है। दोनों तरफ है हुस्न बराबर सजा हुआ। What's that? Miss 1985 आप, Miss 1986 भी आप? जी हाँ। Wow. मेरी तरफ से पेशगी मुबारकबाद कबूल कीजिए। किस बात की? इस बात की कि इस साल 1987 की भी ब्यूटी क्वीन आप ही होंगी। आपके मुंह में घी शक्कर। अब आप आराम कर लीजिए, शाम को क्लब चलेंगे। श्योर, थैंक यू। अरे इस जोक से याद आया, कल सुबह मैंने आपके लिए हॉर्स राइडिंग का प्रोग्राम रखा है। आपको हॉर्स राइडिंग तो पसंद है ना? पसंद? मेरा बस चलता तो मैं बंबई से यहाँ तक घोड़े की पीठ पे सवार होकर आता। हाँ। एक्सेलेंट, तो फिर कल सुबह 7 बजे तैयार रहिए। ऑन द डॉट। ऑन द डॉट जी, जी जी, आपका सूप आ गया। यहाँ के सूप बहुत अच्छा होता है। चुप इडियट, ये क्या किया तुमने? I'm sorry, madam. एक तो सूप गिराता है, ऊपर से सॉरी बोलता है, ब्लडी फूल। Yes, madam. What's the matter? मिस्टर खन्ना, मैंने आपसे क्लब की मीटिंग्स में कितनी बार कहा है कि इन बूढ़ों को बाहर निकाल फेंकिए। इनसे एक सूप का प्याला तो संभलता नहीं है, और काम क्या करेंगे ये? I'm extremely sorry, madam. काका, तुम जाओ, मैं अभी आपके लिए दूसरा वेटर भेजता हूँ। एक्सक्यूज मी विशाल। सलाम साहब। सलाम। अरे मेन साहब कहाँ है? जी सो रही हैं। सो रही हैं? जी। अरे उन्होंने मुझे 7 बजे ऑन द डॉट तैयार होने को कहा था। आपके सुनने में गलती हुई होगी। क्या मतलब? जी वो 10-11 बजे से पहले कभी नहीं उठती हैं। 10-11? हम लोगों ने राइडिंग का प्रोग्राम बनाया था, तुम जाके उन्हें उठाओ। उठाओ। मैं ना बाबा ना, मुझे अस्पताल नहीं जाना है। अस्पताल? हाँ, एक बार बड़े साहब के कहने पर मरियम उठाने गई थी, ऐसा गुलदान फेंक कर मारा, बेचारे की 11 टाके आ गए थे सर पर। बदतमीज लड़की है। जी आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं नहीं, आप जाइए। जी अच्छा। हेलो अंकल। हेलो, गुड मॉर्निंग बेटे, कैसी हो? ठीक हो। बस मामूली सी मोच है, इस पांव पर ज्यादा जोर मत दीजिएगा। ये टैबलेट्स दिन में 3 बार लीजिए, कल सुबह तक ठीक हो जाएंगे आप। थैंक यू डॉक्टर साहब। लाइए डॉक्टर साहब। थैंक यू। विशाल बेटे जी, मुझे एक जरूरी मीटिंग अटेंड करने जाना है। कोई बात नहीं सर, आप जाइए ना सर। वो रीता भी मेरे साथ जाएगी, 1-1.5 घंटे में लौट आएगी। नो प्रॉब्लम अंकल, आप जाइए प्लीज। सुनो,
कुछ नई मैगजीन्स आई हैं, भिजवा देता हूँ, बोर नहीं होगे। थैंक यू। मैगजीन सर। सुनिए, आपको कुछ और चाहिए? एनीथिंग एल्स? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ये क्या कर दिया आपने? क्या हुआ? उल्टी चाल क्यों चल दी? जब सीधी चाल से बात ना बने तो उल्टी चाल चलनी पड़ती है। बहुत क्लेवर हैं आप। सब आपकी मेहरबानी है। मेरी मेहरबानी? जी हाँ, देखिए ना, आपकी चाल देख के मैं अपनी चाल चलता हूँ ना। अब समझी। बहुत समझदार है आप। ओह नो, एक्सक्यूज मी। हाँ जाइए जाइए। हेलो बेटा। यस डैडी। देखो बेटी, टेलीफोन के पास एक इम्पोर्टेंट फाइल फूल आया। हाँ है। तुम उसे फॉरन ऑफिस ले आओ, और सुनो, विशाल को भी अपने साथ ले आना, लंच यही करेंगे। ओके डैडी, हम लोग अभी आते हैं। विशाल डैडी को ये फाइल देनी है, तुम्हें भी बुलाया है, लंच हम वहीं करेंगे। लंच? नहीं रीटा, वो बात ये है कि मैंने मम्मी को खत लिखना है। फोन पे बात कर लीजिए। नहीं, जब तक मैं खुद अपने हाथों से अपना डेली प्रोग्राम मम्मी को लेकर न भेजूं, वो कभी संतुष्ट नहीं होती। तो लौटने के बाद लिख लीजिए। लौटने के बाद तो मैंने आपको चाइनीज लंच खिलाने का प्रोग्राम बनाया है। सच? चाओ चाओ की कसम। तो बस मैं अभी गई और अभी आई। चाओ चाओ। रोमियो जूलियट हो गया। I'm sorry sir, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? चोट? काफी इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। पहली बार पाँव में मोच आई थी, दूसरी बार सर पे चोट, आगे न जाने कहाँ का। जी। खैर कोई बात नहीं, आपकी किताबें। आपका नाम क्या है? जी रूबी। रूबी, आप यहाँ काम करती हूँ और यूनिवर्सिटी में पढ़ती भी हूँ। तो आप कश्मीर की रहने वाली हैं? जी नहीं, मैं बॉम्बे की हूँ। बॉम्बे की? यानी कि आप बंबई की रहने वाली? ओह मार्वेलस, फैंटास्टिक, आपको तो जवाब नहीं। नहीं, मेरा मतलब ये था कि प्रदेश में आके अगर अपना कोई शहर वाला मिल जाए तो बड़ी खुशी होती है ना। मैं बंबई का रहने वाला हूँ, कश्मीर आया था सैर करने के लिए। वैसे आपका कश्मीर बहुत अच्छा लगा, लेकिन कश्मीर से ज्यादा आप अच्छी लगी। जी आपको कौन सी किताब चाहिए थी? किताब? लव एट फर्स्ट साइट है आपके पास? मिल जाएगी तो जरूर दे दूंगी। हमको लगता है कि हमारा रूबी हमको याद करता है। जॉन, रात हम भी ड्रीम में देखा रूबी को।
अच्छा कैसा लगता था वो? अंकल तुम बेटी के प्यार में पागल हो गया है, पूछता है सपने में कैसा लगता है। पीटर हमारा वाइफ का डेथ के बाद हमने रूबी को माँ का प्यार भी तो दिया है ना? हाँ अंकल दिया है, पर तुम्हारा ये सिस्टर भी उसको बहुत प्यार करता है। आज के जमाने में ऐसा बाप और ऐसा आंटी सबको किधर मिलता है। पर एक बात समझ में नहीं आया अंकल, बॉम्बे का इतना बड़ा यूनिवर्सिटी छोड़कर तुमने रूबी को इतना दूर क्यों भेज दिया? मजबूरी पीटर, मजबूरी। हमने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई तो बहुत जगह किया, पन मिला कश्मीर में, इसके लिए वहां भेजना पड़ा। सब टाइम टाइम का बात अंकल, पहला तुम कैसा शानदार घर में रहता था और आज आज यहां रहता है। पहला वायलिन बजाकर हजारों रुपए कमाता था, पन आज 150 रुपए के लिए 25 लोगों को वायलिन सिखाता है। हाँ पीटर, पहले हमारा भाई को एक मिनट का भी फुर्सत नहीं मिलता था, पन ये हाथ का बीमारी ने हमारा भाई को एकदम खलास कर दिया। अरे यार कहाँ ये आफत चली आ रही है, बाथरूम में घुसो, अब यहाँ कैसे घुसेगी देखता हूँ। विशाल विशाल विशाल, विशाल ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। आप अभी तक नहा रहे हैं? अभी तो शुरू किया है। ओ नो, पिकनिक पर जाना है और नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। तुम ये काम करो, तुम चली जाओ, मैं आता हूँ। ये नहीं होगा। अरे भाई देखो अभी तो मैंने शुरू किया है, मैं जरा खुलकर नहाता हूँ। हाँ तो मैं दरवाजा खोल कर ले जाऊंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, दरवाजा बंद है। तो मैं दरवाजा खुलने तक इंतजार करूंगी। अरे यार बड़ी चुप्पू लड़की है। अच्छा अच्छा ठहरो ठहरो, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। बड़ी ठंड लग रही है, ठंडे पानी से नहा लिया। ठंडे पानी से क्यों नहा? वो मैं जल्दी में था ना इसलिए। माय गॉड, ये सर, ये बुक, लव लव एट फर्स्ट साइट, लव एट फर्स्ट साइट। ठहरो, हैव यू नो मैनर्स? यूं ही अंदर कैसे चली आई? लॉक क्यों नहीं किया? मैडम दरवाजा खुला था। तो क्या हुआ, बगैर इजाजत के कमरे में नहीं आते, इतना भी नहीं मालूम? बदतमीज। आई एम सॉरी मैडम। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? गेट आउट। छोटे लोगों को मुंह नहीं लगाना चाहिए, जूतियों की खाक सर पे आती है। अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। हेलो विशाल। हेलो। बिल्कुल ठंडी ठंडी बियर पियो। नो थैंक यू। तो फिर जिन ला दो या विस्की अंदर रॉक्स? नो नो नो, आई डोंट ड्रिंक। ओह रियली? या। एक्सक्यूज मी। श्योर। हे सुमन, हाउ सिली। हाय रीटा। हाय। क्या बात है, आज तेरा बॉयफ्रेंड बहुत उखड़ा उखड़ा है, ना जिन पी रहा है ना विस्की पी रहा है, और किसी से मिक्स भी नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या बात है, आज सुबह से ही आउट ऑफ मूड है। अच्छा बता, तेरा मामला कहाँ तक पहुँचा है? चल रहा है मगर ठंडे ठंडे। तो ला मैं इसे गर्म की देती हूँ। क्या मतलब? घबरा मत, ये दो गोलियां सॉफ्ट ड्रिंक में डाल देती हूँ, फिर देख कैसे गर्म हो जाता है। तू आगे आगे, वो तेरे पीछे पीछे। लीजिए विशाल जी, अब तो आपको कोई इतराज नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक है। Alright, thank you. ले, पी के गरम हो जा, तू भी गरम पी ना।